सामने तुम्हें कहां से बात। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आर्टिकल 348 जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान नहीं किया जावे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होगी। देश में कई ऐसे विधि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जहां हिंदी में विधि के छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। उत्तरी पश्चिमी तथा मध्य भारत के अधिकांश विधि छात्रों की भाषा का माध्यम हिंदी होता है। ऐसी परिस्थिति में जब तक विधि के छात्र वकील का व्यवसाय अपनाते हैं और उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में जब अपना वकील के रूप में पंजीकरण कराते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिस में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिभाशाली वकील होने के बावजूद भी हीन भावना आ जाने के कारण मजबूरन निचली अदालतों में वकील का व्यवसाय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से भारत के कानून मंत्री से ये मांग है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के माध्यम से विधि स्नातक वकीलों को हिंदी में बहस करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इससे बहुत बड़े वर्ग को लाभ प्राप्त हो सकता है। माननीय न्यायाधीश अपना फैसला अंग्रेजी में दे सकते हैं, सुनाया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में बहस की बाध्यता को खत्म करना भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा लाभकारी कदम सिद्ध होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।